पनवड़िया स्थित सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने समेत सरकारी जमीन को खुर्दबुर्द करने के मामले में लेखपाल विष्णु शर्मा समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं पुलिस बाकी की तलाश कर रही है। जी हाँ, मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम पनवड़िया का है। पनवड़िया निवासी चुनीलाल किसान है, उनकी पनवड़िया में खेती की जमीन है जिस पर 70 साल से उन्हीं के पूर्वजों का कब्जा है। जी हाँ, इस जमीन पर पिछले 70 सालों से उनका एवं उनके पूर्वजों का कब्जा है। इस जमीन पर मोहल्ला गुजर टोला निवासी जमीर अहमद, मोहल्ला झंडा निवासी महबूब खान ने तत्कालीन लेखपाल से सांठ गांठ कर अपना नाम खतौनी में दर्ज करवा लिया था। राजस्व अभिलेखों में यह हेरा फेरी 1420 फसली की खतरा एवं खतौनी से सामने आई, जिसमें एक ही फसली वर्ष में इन लोगों का नाम वर्ग संख्या 2 में दर्ज है, जबकि उस फसली वर्ष की अन्य खतौनी में उन लोगों के नाम दर्ज नहीं है। इसके बाद जमीर अहमद एवं महबूब खान ने सांठ गांठ कर जमीन का बैनामा बरादरी महमूद खान निवासी महबूब अली के नाम करा दिया, जबकि यह जमीन जेर इंतजाम संपत्ति है जिसे बेचा नहीं जा सकता। इसके खतौनी निकलवाने पर यह जानकारी हुई, जिसके बाद 11 जून 2017 को उप जिलाधिकारी को पत्र दिया गया, जिसमें जमीर अहमद और महबूब खां के नाम निरस्त करने की मांग की थी, लेखपाल को इसकी जानकारी दी थी। आरोप है कि लेखपाल ने गलत नामों को काटे जाने के बदले 200 गज जमीन की मांग की, उसने उच्च अधिकारियों तक धनराशि का वितरण होने की बात कही। जी हाँ, इसके बाद मुकदमे से परेशान होकर लेखपाल विष्णु शर्मा के जानकार विजय पाल निवासी हसन धर्म कांटे के पीछे एवं ग्राम पटवाई निवासी तेजवीर सिंह के नाम 200 गज जमीन का बैनामा कर दिया, जिसके बाद लेखपाल को भी 20,000 रुपए दिए गए। सिविल लाइंस पुलिस ने लेखपाल विष्णु शर्मा जमीर अहमद महबूब खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाल राधेश्याम ने बताया कि आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लेखपाल सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, क्या मामला है? एक लेखपाल ने अभिलेखों में हेरा फेरी करके एक व्यक्ति का नाम दाखिल कर दिया था और उसके नाम से खतौनी उतौनी भी जारी कर दी थी। जांच में राजस्व विभाग द्वारा पाया गया कि मूल मालिक से दूसरे को जमीन बिना किसी विधिक प्रक्रिया के और बिना किसी अधिकार के कर दी गई थी, और इसमें लेखपाल की भूमिका जो है वो प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रही थी, जिस आधार पे राजस्व विभाग की ओर से एक तहरीर मिली, जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और लेखपाल की गिरफ्तारी। एंटी करप्शन से भी जुड़ा कुछ मामला क्या? अब चूंकि ये अभी तो अभिलेखों में हेरा फेरी का मामला है, और जब साबित हो जाएगा कि इस ये निश्चित रूप से ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी लोभ बस किया गया है, लोभ से वापस कुछ लेन देन हुआ होगा, अपने आप ही मामला बनता है। सब विवेचना का विषय है कि इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ हैं, IPC की कौन कौन धाराएँ हैं, विवेचना से वो सारी चीज़ें स्पष्ट। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।